देखिए नहीं नहीं मैं भारत का पक्ष रख रहा हूं और लाल सलाम भारतीयों के लिए है। आप चीन को नंबर वन दुश्मन बोलने से मानते नहीं और कहते हैं भारत का पक्ष रख रहा हूं, आपको लाल सलाम। सर आप चीन के साथ ट्रेड करते हैं, आपके यहाँ चाइनीज प्रोडक्ट बिकते हैं, 80% सप्लाई चेन मैनेजमेंट में चाइनीज कंपनियों का निवेश है, आप किस मुंह से कह रहे हैं कि चाइना दुश्मन है? ठीक है विवेक भाई, जनरल सिन्हा को सुन लेते हैं प्लीज। जनरल सिन्हा बोलिए प्लीज। मेरा आपसे एक सवाल है। नहीं नहीं जनरल साहब आपसे एक सवाल है, जनरल साहब आपसे एक सवाल है, इंटेलेक्चुअल जवाब अगर जवाब दे पाए। दुश्मन के साथ मेरा कोई सवाल का जवाब नहीं, आप सवाल सुन लीजिए। हमारी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में 80% चाइनीज प्रोडक्ट का सर्कुलेशन है, आप उसको दुश्मन कैसे कह रहे हैं? नहीं वो कह रहे हैं पहले आपको बोलना पड़ेगा चाइना दुश्मन नंबर एक है, उसके बाद आपके सवाल का जवाब देंगे। विवेक श्रीवास्तव जी अगर आप भारतीय हैं और अगर आपने भारतीय होने का गर्व है तो बोलिए चाइना देश का दुश्मन नंबर वन है। अगर आप भारतीय हैं और अगर आपका भारतीय होने पे गर्व है तो चीन के समर्थन में मत खड़े होइए, बोलिए चीन भारत का दुश्मन नंबर वन है। मेरा प्रधानमंत्री मुझे बताएगा दोस्त कौन है दुश्मन कौन है। अरे आप एक नागरिक हैं, प्रधानमंत्री से पहले नागरिक बताता है और प्रधानमंत्री नागरिक चुनता है। दुश्मन के साथ किया जाता है, शर्म आती है। आपके दफ्तर में आपके टेबल पे चाइनीज मोबाइल पड़े हुए हैं और आप कह रहे हैं चाइना को दुश्मन। चाइना नंबर वन दुश्मन है, एक सवाल का जवाब नहीं दे सकते, ये बोल नहीं सकते। शर्म आती है के साथ आपके साथ मैं डिबेट कर रहा। आप बताइए ना प्रधानमंत्री, 6 साल तक गले क्यों मिल रहे थे फिर? क्योंकि आप ऐसे दुश्मन यहाँ देश के अंदर घुस मौजूद है। जवाब से क्या कर रहे थे? सलाम लो, क्या आप चाइना से नहीं मिल रहे थे? क्या आप चाइना से व्यापार नहीं कर रहे थे? क्या आप चाइना से संधि नहीं कर रहे थे? क्या आप चाइना से ट्रेडिंग नहीं कर रहे थे? आप प्रधानमंत्री हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, आपको उनके प्रधानमंत्री के वक्त नहीं है। मेरे विवेक भाई, मैं भाई भी नहीं कह सकता आपको, जब आप देश के दुश्मन को दुश्मन नहीं कर सकते, जब देश की सीमा में 20 जवान अपनी शहादत दे के हंसते हंसते चल गए उस एग्रीमेंट को मानते रहे जिस एग्रीमेंट को आप लोगों ने बनाया, एक झूठा एग्रीमेंट, उस एग्रीमेंट को मान करके उनकी शहादत, उनकी बलिदानी का कोई उसका एक हिसाब हो सकता है? ठीक है।